एसक्यूएल में कीज क्या होती है? कीज बेसिकली आपके एक लिंक को शो करती है। आपने जो डिफरेंट टेबल्स में डेटाबेस जो क्रिएट किया है, उस डेटाबेस का एक दूसरे टेबल्स के साथ जो लिंक होता है उसको शो करती है। प्राइमरी की क्या है? इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। ये कॉलम भी हो सकता है और सेट ऑफ डिफरेंट कॉलम्स भी हो सकते हैं किसी भी टेबल में। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो, जो के यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आपके टेबल में मौजूद हर रो को। यानी कि ये आपका वो कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है जिसमें आपके डेटा सेट से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज हो या ऐसा डेटा मौजूद हो जिसकी बेस पे पूरे टेबल का डेटा सेट जो होता है वो आपका यूनिक हो जाता है इस कॉलम की बेस पे। इट मींस कि एक तो ये आपका यूनिक होती है वैल्यूज इस कॉलम में, एंड देयर इज ओनली वन प्राइमरी की एंड इट शुड नॉट बी नल। यानी कि आपकी प्राइमरी की जो होती है वो जस्ट एक ही की हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती। आपकी प्राइमरी की नॉट नल नहीं हो सकती। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है जिसमें आईडीज और नेम्स लिखे हुए हैं। अब ये हो सकता है कि नेम जो है वो स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं, यानी एक क्लास में दो अहमद हो सकते हैं, एक स्कूल में एक से ज्यादा अहमद हो सकते हैं, लेकिन उन अहमद की आईडी जो होगी वो डिफरेंट होगी थ्रू आउट स्कूल में जब तक वो रहेंगे। तो ये आईडी जो होगी, एक तो ये यूनिक होगी और दूसरा आईडी हर स्टूडेंट की सेपरेट मौजूद होगी लाजमी। ऐसा नहीं होगा कि वो नल हो, तो आईडी नॉट नल होगी। तो हमारे पास ये टेबल जो है बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी की से रिलेटेड। इसके बाद आ जाती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, ये भी कॉलम या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है, इन अ टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। फॉरेन की आपके पास एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है जिसमें आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें कोई कॉलम या सेट ऑफ कॉलम जो हम रेफर कर रहे हैं वो किसी दूसरे टेबल से लिया गया होगा। ये हमने स्टूडेंट टेबल बनाया था जिसमें हमने आईडी और नेम लिखे थे, ये था स्टूडेंट टेबल। अब यहां पे मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूं, इसको मैं किसी और कलर से क्रिएट करता हूं। लेट्स सपोज यहां पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं जिसमें हम फी स्ट्रक्चर रखेंगे, यानी कि यहां पे आ जाएगी आईडीज और यहां पे आपकी क्लास वाइज फी आ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, यहां पे थी हमारी आईडी 1001, 1002, तो इसी तरीके से यहां पे हमारी आईडी आ जाएगी 101, 1002। यहां पे हमारी ये आईडीज जो थी वो एज प्राइमरी की थी, लेकिन यहां पे 1001 और 1002 जो है ये कॉलम जो है ये लिया गया है इस स्टूडेंट टेबल से। यहां पे ये हमारी प्राइमरी की है, फी स्ट्रक्चर वाला एक टेबल है, इसमें ये जो आईडी होगी वो इस टेबल से लेने की वजह से यहां पे ये फॉरेन की कहलाई जाए। फॉरेन कीज जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं और इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं और इनमें नल वैल्यूज भी हो सकती हैं। यहां पे आपके पास प्राइमरी की जो होती हैं वो आपकी इंडिविजुअल यूनिक और नॉट नल वैल्यूज। प्राइमरी की जो होती हैं वो आपके पास ऐसे कॉलम्स या सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं जिनमें ऐसा डेटा होता है जो कोई यूनिक और नॉट नल होता है, और फॉरेन कीज आपके पास किसी टेबल में ऐसे सेट ऑफ कॉलम्स या कॉलम होते हैं जिनको किसी दूसरे टेबल से लिंक किया होता है।